नमस्कार दोस्तों, टीएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको मैथ में रेशियो, अनुपात, समानुपात का भाग साथ पढ़ा चुके हैं। आठवां भाग पढ़ाएंगे, जो मैथ एसडी यादव का पूरा सोल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों को, जिससे आपका, मान ली आपके पास किताब है, आप उसको पूरी तरह से लगा सकें। आप नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को देखना, जहाँ जहाँ बताए हैं उसी टाइप से लगाइए, एकदम ट्रिक तरीका से बताएंगे आपको, ट्रिक माध्यम से एकदम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये एच डी यादव का क्वेश्चन है, जहाँ से आप कल लगवाए थे, इसके बाद ये है आपका। ठीक है, चलिए, चलो सभी लोग लगाओ इसको, ध्यान से लगाओ सभी लोग, सभी लोग ध्यान से लगाओ क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 106 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। एच डी यादव का बुक है, जो न्यू बुक है, जो नया बुक है, उसी से सोल्यूशन करा रहे हैं आप लोगों का। ठीक है, चलिए। कह रहा है 6,859 रुपये की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3 होता है। ठीक है, और बी और सी के अंशों का अनुपात 5:4 होता है। सी और डी के अंशों का अनुपात 6:5 है, तो बी का अंश कितना है, ये पूछा है। सभी लोग आगे क्या करेंगे, सभी लोग इसको क्या करेंगे बताओ, आगे क्या करेंगे, इनका अनुपात बनाएंगे। ठीक है, इनका क्या बनाएंगे, ए बी सी डी का रेशियो बनाएंगे एक साथ। ठीक है, एक मर्ज करके बनाएंगे। ठीक, यहाँ क्या दिया है, आगे देखिए, ए और बी का रेशियो कितना दिया है आपके, ए बी का दिया कितना, 4:3। ठीक है, ये दिया है। बी सी का कितना दिया है, बी सी का कितना दिया है आपका, बी सी का कितना दिया है, बी सी का आपका ए बी का 4:3, और बी सी का दिया है 5:4, 5:4। और सी और डी का कितना दिया है, 6:5 दिया है कि नहीं, ये दिया है। इसका क्या करेंगे, रेशियो एक साथ इसको हम बनाएंगे। इसमें सब कॉमन क्या दिखा रहा है, ए कॉमन दिखा रहा है सी, या इसमें सब बराबर है, नहीं बराबर है। इसको बराबर करने के लिए एक रेशियो बनाएंगे, ए संबंधे बी संबंधे संबंधे डी बनाएंगे। ए का मान कितना दिया है, 4, बी का मान कितना है, 3, बी का मान कितना दिया है इसमें, 5, इसमें सी का मान 4 दिया है, और सी का मान इसमें कितना दिया है, 6 दिया है, और डी का मान कितना दिया है, 5 ये दिया है। ठीक है, जो खाली स्थान है उसी को हम भर देंगे। इसके सामने क्या भरेंगे हम, 3, 3। ठीक है, यहाँ क्या भरेंगे, इसके सामने 4 भर देंगे, यहाँ क्या भरेंगे हम, 5 भर देंगे, यहाँ क्या भर देंगे हम, 6 भर देंगे, यहाँ क्या भर देंगे, 6 भर देंगे, क्या क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसका। चलो गुणा कर दो सब लोग। ठीक है, 5 × 20, 20 × 6 = 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका गुणा कर दो, 5 × 3 = 15, 15 × 6 = 90, 90 हो गया। इसका गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, 12 × 6 = 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका गुणा कर दो, 5 × 20, 20 × 3 = 60 आपके। ये किसी नंबर से कट रहा है, ये कट रहा है तो उसको काट के और छोटा कर दें, या इसी नंबर पे लगाएंगे, ऐसे भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे, काट कर छोटा करेंगे। ठीक है, ये किससे कट रहा है आपका, सभी संख्याएं किससे कट रहा है आपका, 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे, 3 × 12 = 40 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 30 × 3 = 90 हो जाएगा, और 24 × 3 = 72 हो जाएगा, और ये 20, 3 से काटेंगे 20 × 3 = 60, ये रेशियो है। क्या और कट रहा है, ये संख्या और कट रहा है, और काट दें हम, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 से काट दें हम, 20 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये 10, ये रेशियो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या, किसको कितना धनराशि दिया है, 6,859 रुपये को बांटना है, 6,859, 6,859 रुपये को बांटना है, इसमें बांटना है सभी में, इसको अनुपात बांटना है तो अनुपात ही लिखना होगा। कितना लिखेंगे, 20 + 15 + 12 + 10 ये लिखेंगे। क्या पूछ रहा है इसमें, किसका हिस्सा, बी का हिस्सा पूछा है, बी का पूछा है, तो बी का कितना दिया है आपके, 15 दिया है, 15 का गुणा कर देंगे आ जाए। ठीक है, ये इसको काट दो आप, जोड़ो इसको, तो जोड़ दो नीचे का। ठीक है, इसका सोल्यूशन यहाँ कर दे रहा है, 6, 5, 6, 8 है, 8, 5, 9,
बटे, तो जोड़ दो, ठीक है, 5 2 7 हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 2 1 3 1 4 1 5 57 हो जाएगा, 15। ठीक है, ये किसी संख्या से कट रहा है, ऊपर नीचे से देखिए किससे कट रहा है आपका, 5 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 5 15, 3 से काटेंगे 19 बार में, ठीक है, 19 के इसी में भाग कर दो आप, इसी में भाग कर दें, आंसर आपका प्रकट हो जाएगा, इसी में भाग कर दो, सब लोग भाग कर देंगे, चलिए भाग नहीं आ रहा तो भाग कर देना है यहाँ पे, ठीक है, 6 8 5 9 में किसका का भाग करना है, 19, 19 57 हो चुकी, मतलब 3 2 19 57 हो जाएगा, घटा दो कितना आ गया, 1 1 5, ठीक है, अब इसका पहाड़ा पढ़ो, 15 से 115 हो जाए, 1995, 19, 19, इसका भाग कर दो सब लोग, चलिए इसका ये 19 5 95, 19 6 114, 6 बार जाएगा, 6 114 कर दो, घटाएं कितना आ जाए, 1, फिर ये आपका बढ़िया, कितनी बार में, 361 बार में, 361 बार में कट जाएगा, 361 बार में, 361 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ काटेंगे तो ये 361 बार में ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 361 में 5 का गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, 5 1 कम 5, 56 30 के 0 हो गया, 3 हो गया, 5 15 3 18, 1805 रुपये ये आंसर हो जाएगा आपका, किसका हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ठीक है, ये आंसर है आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से बताएंगे इसको, नहीं आ रहा है इसको वीडियो को पूछ करके समझो लगाओ, कैसे कैसे हम बताए हैं, धीरे धीरे लगाओ, मैथ सबसे सरल है जान जाइए, सब कहते हैं मैथ कठिन है, कठिन है, एक डर है, डर को निकालने के लिए क्या करें हम, इससे बता रहे हैं, इसी तरह लगाओ, जितना लगाओ उतना सरल, इससे जुड़ने के लिए आप किससे जुड़ेंगे, टीएन क्लासेस से जुड़ो, अपने दोस्तों को बताओ कि टीएन क्लासेस चलता है ऑनलाइन, आप लोग बताओ कैसे बताते हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं सब, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको ध्यान, ये भी रुपया को बांटना है, जैसे बताएं उसी तरह इसको भी लगा दीजिए, ये क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, क्या कर रहा है, किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच 3 संबंधी दो के अनुपात में बांटा जाता है, यदि राम का हिस्सा 36,000 है तो कुल राशि पूछा है, राशि, ठीक, जैसे कह रहा हूं उसी तरह लगाओ इसको, ठीक है, यहाँ राम और रहीम का रेशियो, राम और रहीम अनुपात लगा रहा है आपका, 3 संबंधी बांटा जाता है, ठीक है, ये बांटा जाता है, कह रहा है यदि राम का हिस्सा कितना दिया है, राम का हिस्सा दिया है कितना, 36, या कि नहीं, 36,000 किसके बराबर होगा, राम का, राम का हिस्सा कितना है, 3, इनका गुणा कर दो, जो पूछे उसका गुणा, कह रहा राम और कह रहा कुल राशि, कुल राशि कौन होगा, 3 2 5 होगा ना, कुल राशि, कुल राशि, कुल राशि क्या होगा आपका, कुल राशि क्या होगा आपका, कुल राशि क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, ये मतलब 5 वाला वैल्यू पूछा है, तो क्या कर देंगे, कुल राशि आपके निकल, ठीक है, 3 से काट दो, 12 12 बढ़ते हैं, 36 उड़ा 12 5 60 कितना हो गया, 60 लिखो, 1 2 3 उड़ा दो, 60,000 रुपया, ठीक है, एक हिस्सा कुल धनराशि कितना हो जाएगा मेरा, 60,000, इसी तरह इसको लगाएंगे, ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, इसको भी पढ़ो, 108 नंबर है, जेटी यादव जो न्यू बुक है उसी का सोल्यूशन पूरा बता रहे हैं आपका, ठीक है, चलिए
ए बी सी और डी को 4, 8, 11, 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 का अंतर है तो अन्य दो दो अनुपातों का योग क्या है, ये पूछा है। ठीक है, चलो तो भी लगाओ इसी तरह। हाँ, ए बी सी डी का रेशियो दे दिया है, ए बी और सी और डी का रेशियो दे दिया है, कितना दिया है, 4, 11, 4, चार 8, 11 और 15 दे। ठीक है, कह रहा है कि न्यूनतम न्यूनतम और अधिकतम का अंतर, न्यूनतम और अधिकतम का अंतर कितना दिया है, 22,000। ठीक है, अधिकतम अंतर मतलब क्या होता है, आपका घटाना होता है। अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम अंतर कितने का आ रहा है आपका, लिख दो 15 माइनस 4 लिख दो। ठीक है, जो पूछे उसका गुणा करा, अन्य दो का योग, अन्य दो का योग पूछा है का योग कितना हो जाएगा आपका, 8 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 19, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, 22,000 बटे इसका डिफरेंस कितना आ गया, 11, 11 कर दो बटे 19 कर दो, ये कर दो, 11 दुना 22 जाएगा, 19 दुना 38, 38 आंसर। जैसे पूछ रहा है उसी तरह इसको लगाइए, तब समझ में आ जाएगा। कह रहा है ध्यान से पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है इसका, ध्यान से पढ़ोगे आ जाएगा। कह रहा है कि इतना अनुपात में बांटा, न्यूनतम और अधिकतम का अंतर, कह रहे अधिक न्यूनतम और अधिकतम का अंतर, न्यूनतम ये है अधिकतम ये, अंतर मतलब घटाना, कितना अंतर है, 22,000 किसके बराबर, अंतर। जो पूछे उनका योग, कह रहा है अन्य दो का योग पूछा है, योग कर दो, योग करेंगे कितना आ जाएगा, 19, 19 से गुणा कर दो, आंसर। ठीक है, इसी टाइप से इसको लगाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 109 में, ध्यान से पढ़ो इसको, 109 में ध्यान से पढ़ो इसको लगाओ आप लोग। ठीक है, कह रहा है एक्स रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयर का अनुपात कितना दिया है, 10/12, बी और सी के शेयर का अनुपात 8/5 है, ए और सी के अंतर ये दिया है, एक्स का मान मतलब टोटल, एक्स क्या है आपका टोटल धनराशि है, वही पूछा है आपका वैल्यू। ठीक है, ये कहा है ए और बी का शेयर कितना दिया है, ए और बी का शेयर आपका कितना दिया है, क्या है, 7/12 ये दिया है। ठीक है, बी और सी का शेयर कितना दिया है, शेयर का कितना दिया, 8/5 दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तीनों का ए बी सी का एक में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, मतलब एक तीनों के एक साथ रेशियो बनाएंगे। अब इसमें कॉमन का दिखाई दे रहा है आपका बी, क्या ये बी बराबर है, नहीं बराबर है। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए क्या करें, हम जो भी दी है, ठीक है, या इसमें किसका गुणा कर दें, गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, या इसे कर सकते हैं, ठीक है, गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ क्या कर दें, हम इनका गुणा कर दें, 8 3 24 हो जाएगा, और इसमें किसका गुणा कर दें, हम 2 का गुणा कर दें, 12 2 24 हो जाएगा, नहीं ऐसे गुणा करके भी बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, 7 2 14 हो गया, 24 हो गया, क्या गुणा करेंगे, 24 और 15 हो गया। ठीक है, यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, ए बी और सी का रेशियो 14 24 15 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और कह रहा है ए और सी के शेयर में अंतर, ए और सी के शेयर, कह रहा है ए और सी के शेयर में अंतर, ए और सी के शेयर में अंतर कितने का है आपका, ए और सी का अंतर कितने का, 1 का अंतर है, किसके बराबर है, 214 किसके बराबर है, अंतर दिया तो अंतर अनुपाती अंतर, अंतर कितने का आएगा, इसमें अंतर कितने का, 15 और 14 में अंतर कितने का है, 1 1 लिख दो। जो पूछे उसका गुणा, कह रहा है कि यक्स का मान, यक्स मतलब कुल टोटल धनराशि पूछा है। ठीक है, कुल टोटल धनराशि इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, योग कर दो, करेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 9 9 4 5 4 9 9 4 13 कितनी, ठीक है, और 2 1 3 1 4 1 5 53 का गुणा पूछा है,
इसी का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका देखिए नीचे एक दिया कोई वैल्यू नहीं, ऐसा बड़ा संख्या दिया तो गुणा करने का भी तरीका होना चाहिए। अभी देखिए विकल्प दिया है आपके सामने, जाते हैं 12, लास्ट में दो आ रहा है कि नहीं, दो किसमें आए आंसर, ऐसे आगे मार के खाली हो जाओ, आंसर आ जाएगा 11, 3, 42। जैसे बता रहे उसी तरह लगाइए आप, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, नहीं कि परीक्षा में आए इसको आराम से गुणा करें, गुणा करेंगे टाइम खाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा ये बता रहे हैं ट्रिक है, समझ लो 11, 3 या 12, लास्ट में दो आ रहा है कि नहीं आंसर, विकल्प दिया है ऐसे भी किया, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग को। जैसे बता रहे उसी तरह लगाओ, आपका टाइम बचे, टाइम बचाना है, टाइम जितना बचाएंगे उतना स्पीड से आप सवाल लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ सबको आता है लेकिन जिसको जो टाइम बचा लिया, टाइम बचा लिया परीक्षा में, वही सक्सेस हो जाता है, वही आपको सीखना है कैसे, चलिए वही सब बता रहे हैं आप, ताकि बेसिक जान जाओगे इसके बाद बताते रहेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको, ध्यान से सब लोग पढ़ के इसको लगाओ। ठीक है, जैसे बता रहे हैं हम, कह रहा है एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2, 3, 4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपये मिलते हैं तो कुल राशि, टोटल धनराशि, इसे पिछला सवाल पता है उसी तरह एकदम क्या है। ठीक है, यहाँ लिख दो सुनीता, अमित, विभा, पद क्या दिया 2, 3, 4 दिया। ठीक है, करा यदि विभा को 14,416 रुपये, विभा को कितना मिला है 14,416 किसके बराबर होगा, विभाग के बराबर ही होगा ना, यही। और टोटल धनराशि पूछा है, टोटल धनराशि कैसे होगा, टोटल धनराशि कैसे निकलेगा, धनराशि कैसे निकलेगा, सभी को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे 4, 3, 7, 7, 2, 9 का क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे टोटल धनराशि कहा जाए। ठीक है, अब इसको 4 से काट दें हम, 4 से काट दो, 4, 3 या 12 या कितना बचा 4, 6, 24, 4, 4, 16 कितना आ जाएगा 36, 0, 4 में 9 का गुणा, ये हो जाएगा। चलिए वही विधि लगाएंगे, क्या बताए हैं इकाई अंक गुणा करो, 9 चौके लास्ट में 6 आ रहा है ना, विकल्प में देखो 6 किसमें आंसर, ऐसे ही लगाना है परीक्षा, गुणा करके चेक करो वही आंसर, इकाई 9 चौके 36 लास्ट में आ रहा है कि इकाई आंसर, इसी तरह लगाना है आपको, टाइम बचेगा कि नहीं, ये सब विधि जो जान जाएगा वो परीक्षा में सफल हो जाए, टाइम बचा सकता है ये। ठीक है, इसका गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा आपका, चेक कर लो, चेक कर लो सब लोग, चेक कर लो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, 6, 4, 10, 10, 2, 12 चेक कर लो सब लोग सही है कि नहीं, ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 436 तब ये आंसर 436 कितना जाएगा 32,400 ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए लगाओ, जैसे जैसे हम बता रहे हैं, जैसे जैसे बता रहे उसी तरह लगाओ, मैथ सिखा देंगे। ठीक है, 0 से हीरो बना देंगे। ठीक है, 111 नंबर पैसे वाला सवाल दिया है, फिर भी क्वेश्चन बहुत आता है, विधि हम बता रहे हैं आप लोग तो सीखो, ये सवाल बहुत आता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है इस पर। ठीक है,
कह रहा है एक बैग में चार दो पांच के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के रुपए हैं, ठीक है, रुपए हैं, रुपए हैं, 11 रुपए हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताकर। एक रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे का अनुपात क्या दिया है, 4, 2, 5 है। और यहाँ देखिए रुपया दिया है, या कितना दिया है आप, 11 रुपये ये दिया है। अब इसको जोड़ो, ठीक है, तो यहाँ पूछा 50 पैसे की संख्या पूछा, या रुपया बराबर रुपया तो लगाओ सब लोग, ठीक हल कर दो, संख्या का रेशियो दिया है, ये क्या दिया है आपका 1 रुपया पर 2, 50 पैसा और 5 पैसा, तो काटो सभी लोग, ठीक है। तो सब लोग लगा दो, सिक्कों का अनुपात दिया, सिक्का का अनुपात का दिया, तो यहाँ देखिए ये क्या दिया, 11 रुपया, तो भी रुपया बनाने के लिए यक्ष लगा दें, 1 रुपया में कट सिक्का होता है, 1 का भाग करेंगे, 50 पैसे कितना सिक्का होता है, 50 पैसे के 1 रुपया कट सिक्का होगा, फिर 2 का भाग करेंगे, और 10 पैसे का कितना सिक्का होगा कि 1 रुपया बन जाए, 10 मिलाएंगे तो आपका ये बन जाए। चलिए यहाँ से ये कटा, ठीक है, 4x + x + x/, ठीक है, इसको जोड़ो, जोड़ेंगे कितना है, 5, 1, 6, 4, 1, 5, 4, 1, 5, ये 5x + x/2, ये भिन्न है, भिन्न आना चाहिए, 5 × 10 = 11, x किसके बराबर, ये काटेंगे कितना आ जाएगा आपके, x = 2 आ जाएगा, x = 2 आ जाएगा। तो पूछा है यहाँ क्या पूछा है, 50 पैसे, से क्या कितना है आपका, 2 × 1 आ जाएगा आप, 4, ठीक है, ये आंसर कौन सा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 4 सिक्का है, रुपया पूछेगा कितना, 2 रुपया, ठीक है, क्योंकि संख्या दिया है, संख्या दिया है तो ये रुपया दिया है, तो इनको भी आप क्या करेंगे, रुपया बनाएंगे, तभी ये सवाल, रुपया बराबर रुपया के रूप में, ठीक है, सिक्का बराबर सिक्का ही हो जाए, तभी ये लगा सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर, ठीक है, एक संदूक, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर रखा गया है, तो राशि 184 रुपये है, तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ये पूछा है, ठीक है, चलो इसको पढ़ के लगाओ सभी लोग, ठीक है, कह रहा है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के क्या है, संख्या बराबर संख्या में, एक समान है, 1 रुपया के 1 सिक्का में, सिक्का का देखिए क्या, सॉरी सिक्का, जितना सिक्का होगा, जितना रुपया मिलाएंगे उतना रुपया वो बनेगा, ठीक है, वहीं गुणा कर देंगे, कितना, 1x + 2z
एक्स प्लस पांच बुढ़े एक्स कर देंगे, पांच बुढ़े संख्या आई क्या है आपका, संख्या में रुपया गुणा करेंगे उतना रुपया बनेगा, कितना रुपया आ रहा है आपका 184, तब ये कितना हो जाए एक्स प्लस 2x प्लस 5x बराबर 184, 5 2 7 1 8, 8x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 184 8, 8 2 9 अच्छा 8 3 कितना आ जाएगा, x बराबर आपके कितना आ जाएगा 20 बराबर। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने सिक्के, प्रत्येक प्रकार के कितने हैं आपके 23 23, कुल संख्या पूछता, कुल संख्या पूछता 23 में क्या कर देते हैं हम 3 का गुणा कर देते, ठीक है ये आंसर, ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को, कमेंट के माध्यम से हमको समझ में आ रहा है, ठीक है अच्छा पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, अच्छा कमेंट के माध्यम से एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, अब कुछ और परिवर्तन हम करेंगे पढ़ाई में, ठीक है एक सौ 113 वाले सब लोग पढ़ के लगाओ, ठीक है एक बैग में 6 3 2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 8 रुपये 50 पैसे की क्या है ये पूछा है, ठीक है चलो जैसे पिछला बताया उसी टाइप को इसको लगाना है, एक बैग में यहाँ कह रहा है 1 रुपये और 50 पैसे और 10 पैसे, ठीक है अनुपात के पैसे के रूप में बना दिया है, क्या कितना दिया है आपका क्या दिया है 30.8, इस संख्या कितना दिया है आपका 3 संबंधे 6 संबंधे 3 संबंध, इस संख्या दिया है आपका क्या दिया है आपका संख्या के रूप में, ये रुपया दिया है तो इनको भी हम क्या करेंगे रुपया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है या क्या लिखेंगे 6x 1 रुपया में 1 रुपया में कर से क्या होता है 1 का होता है, ठीक है ये 3x 50 पैसे का 1 रुपया में कर सिक्का होगा, 50 पैसे का 1 रुपया में कितना सिक्का होगा कर दो, ठीक है ये 2x 10 पैसे का कितना सिक्का मिला है 1 रुपया, 1 रुपया में कब पैसा होता है 100 पैसा, 10 का गुणा कर देंगे तो ही हो, चलिए कुछ कट रहा है इसमें से काट दें हम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक 6x प्लस 3x बटे 2 प्लस x बटा 5 क्या क्या करेंगे हम एलसीएम जाएगा आपको 10 हो जाएगा 10 8 यहाँ भाग करेंगे 5 5 10 5 2 9, अब इसको 65 60 हो जाएगा 60 और 15 70 दो 77 के बराबर इस 10 8 के ये हो जाएगा, ठीक है तो आप लगाइए समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग, माध्यम से हम इसको लगाएंगे, ठीक है चलिए हल कर यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा गुणा हो जाएगा आपका 10 का गुणा हो जाएगा, ठीक है बटे 77 का गुणा कर दें कितना आ जाएगा तो 8 बटा, अब इसको काट दो 11 से काट दें हम, ठीक है 11 से काट दें हम 11 दुना 22 11 8 11 से काट देंगे 7 भी नहीं काट देंगे तो ये 308 बटे 7 7 गुड़े 11 ऐसे भी लिख सकते हैं 11 से काट दो इसको
22 ग्यारह अठारह चार बनी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है, 50 पैसे की सिक्कों, 50 पैसे कितना है आपका, 3 है, 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे क्या है आपके, 3 है, 3 × 12 सिक्का हो जाए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग कमेंट के माध्यम समझ में आ रहा है। ठीक है चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सबको पढ़ा रहे हैं, इन क्लासेस को आप लोग शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने पड़ोस को बताइए कि क्लास क्या हाल है, वो घर पर बैठ के वो देख सकते। तो 14 नंबर पे देखो, कह रहा है एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर में उपस्थित है, राशि 105 रुपये है, तो प्रकार के सिक्के। ठीक है, इस टाइप का हम जैसे 1 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपया, 5 रुपया वाले लगवाए थे, इसी तरह इसको भी हम सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है देखो, सभी लोग पढ़ो इसको, कह रहा है 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे क्या कर रहा है, सिक्के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है, बराबर संख्या में उपस्थित यक्ष है। ठीक है, और कह रहा है यहाँ कुल राशि दिया है, राशि दिया है, तो राशि दिया है, सिक्का दिया है, क्या है ये, क्या दिया है, सिक्का दिया है, क्या दिया है, सभी सिक्का है, तो इसको भी रुपया में कन्वर्ट करें। यहाँ क्या, 1 रुपया में यक्ष बटा 1 रुपया में कर सिक्का होगा, 1 सिक्का होगा, और यक्ष यक्ष है, इसमें कितना सिक्का होगा, 1 रुपया में कितना, 50 पैसे वो सिक्का होगा कि नहीं, क्या करेंगे, ये यक्ष 25 पैसे कितना सिक्का मिला है कि 1 रुपया बन जाए, 4 बराबर कितना, 5 हो जाए। ठीक है, क्या एलसीएम लेके लगाएंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 4 यक्ष 10 का 2 यक्ष 10 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 7 × 4 कितना हो जाएगा, ये 5 के बराबर, 4 × 2 = 7 × 4 कितना, 105। तो सामने से इसको हम काट सकते, 15 × 7 = 15 = 60 इसका क्रॉस पूरा बराबर कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा आपका, 60 60 आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या है, एक प्रकार का सिक्का, एक प्रकार का सिक्का है, कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, पहला कुल सिक्का पूछता है, 60 60 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सभी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको ध्यान से पढ़कर लगाओ, सभी सभी लोग ध्यान से पढ़कर लगाओ। सभी लोग लगाकर लगाओ उसको, सभी लगा के बताओ इसको, सभी लगा के बताओ इसको, जैसे ये बता है पिछला सवाल इसी तरह करा, एक बैग में 3
3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में क्या कितना दिया है, 25 8 रुपये की राशि। तो बैंक में 50 पैसे के सिक्के जैसे बनाए हैं ना, 1 रुपया लिखो और 50 पैसे लिख दो और 10 पैसे, ठीक है। बात क्या दिया है, 3 2 3 का हाँ, रुपया कितना दिखा रहा है आपका, 25.8, ठीक है। रुपया दिया तो इनको भी ये संख्या दिया है, क्या दिया है, संख्या, ठीक है। संख्या दिया तो इनको भी हम रुपया में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब में यक्स यक्स लगा दो, ठीक है। ये रेशियो दिया है एक संख्या को, क्या हो जाएगा, 3x 1 रुपया का सिक्का होगा, 1 हो गया, 2x 10 पैसे कितने सिक्के होंगे उठे, और 3x 10 पैसे कितना सिक्का होगा, बराबर कितना, 25.8 को हल करो सर, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा कि नहीं, आपको कट गया, तो यहाँ 3x प्लस एक्स प्लस 3x बराबर 25, तो जोड़ेंगे 4 हो गया, 4x प्लस 3x बटा 10 बराबर कितना, 40 3 43 कितना हो जाएगा आपका, 43x बटा 10 बराबर 25 8 का क्रॉस बुरा हो जाएगा और भाग में आ जाएगा, ठीक। चलिए क्या डिटेल में हल कर दे रहे हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 258/43 का भाग कर दीजिए, भाग कर दें कितना हो जाएगा, 8 3 के 24, 8 3 के 24 मतलब ये 8 3 के 24 मतलब ये 4 बेरी में ये कट जाएगा, 8 3 ये 5 बेरी में ये कटेगा, x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 6 आ गया। या किसका पूछा है, बैग में 50 पैसे, 50 पैसे कितना है आपका, 2x 50 पैसे क्या माने यहाँ, 2 × 6 = 12 सिक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग, ये आंसर आपका कितना जाएगा आपका, 12 सिक्का, समझ में आया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, तो ध्यान कर सब लोग लगाओ इसको, तो 16 नंबर जैसे बताए उसी तरह इसको लगाओ, एक 116 नंबर पढ़ो, तो ध्यान से सब लोग पढ़ो इसको लगाओ। कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 6 8 के अनुपात में यदि कुल राशि 240 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। तो जैसे पिछला बताया क्वेश्चन उसी टाइप का इसको लगाना है, ठीक है। तो आप लगाइए, प्रैक्टिस करो आप लोग, जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना आपका दिमाग तेज होगा, मैथ है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग तेज, ये नहीं कि उसको देखेंगे, देखने से नहीं आएगा, उसको लगाओ, जब भी वीडियो देख रहे हो उसको लगाओ, ऐसे कैसे हम बता रहे हैं, साथ में लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा है 1 रुपये और 50 पैसे और क्या कर रहा है, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया, ठीक है। कितना दिया है, 5 5 संबंधित और संबंधित 8 दिया, ठीक है, ये दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है, मतलब ये संख्या आपका दिया है, क्या दिया है आपका, संख्या, और रुपया दिया है आपका कितना, 40 रुपये दिया है ना, तो 40 रुपये, तो 40 दिया है, रुपया दिया है तो इनको भी रुपया में कन्वर्ट करने हैं, कन्वर्ट कैसे होगा, तो रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, भाग कर, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 5x 1 रुपया में का सिक्का होता है, 1 ही होता है, इसका भाग करेंगे, ठीक है, प्लस ये 6x 50 पैसे कितना सिक्का होता है आपके 1 रुपया बनाने के लिए, 2 मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है। ये 8x 25 पैसे का कितना सिक्का होगा कि आपका 1 रुपया बन जाए, 4 सिक्का होगा, ठीक है, तब आपका 1 रुपया बन जाएगा, ठीक
ये चार हो गया, चार दुना आठ ही हो जाएगा, ये काट देंगे कितना जाएगा आपका पांच एक्स प्लस तीन एक्स प्लस तो जोड़ेंगे पांच तीन आठ दो दस एक्स, दस एक्स बराबर आपने दिया है कितना चालीस, यहाँ से काट देंगे कितना एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका चौबीस। ठीक है, यहाँ पूछा पच्चीस पैसे के सिक्का, पच्चीस पैसे के सिक्का कितना माने हैं, आठ माने हैं, पच्चीस पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा, पच्चीस पैसे के, पच्चीस पैसे के पैसे सिक्कों की संख्या संख्या ये पूछा पैसे के चौबीस, पच्चीस पैसे कितना है आठ, आठ का गुणा कर दें हम। ठीक है, आठ चौका बत्तीस, देखिए गुणा बताएं इकाई अंक गुणा, आठ चौका बत्तीस, लास्ट में दो आ रहे हैं और दो आंसर तो बानवे, बानवे आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग, कमेंट के माध्यम से कि हमको हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, तो सत्रह ध्यान से पढ़ो का क्वेश्चन जबरदस्त है, ये एच डी यादव की बुक का पूरा क्वेश्चन है, ये जो नया बुक आया है उसी को लगवा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ो। करा एक बैग में, ठीक है, एक रुपये पचास पैसे और पच्चीस पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात एक दो चार है, यदि बैग में कुल धन कितना दिया है दो सौ पच्चीस रुपये, तो उसमें पचास पैसे के कितने सिक्के, तो जैसे पिछला सवाल बताएं उसी तरह इसको भी लगाएंगे। ठीक है, क्या दिया है आपका एक रुपये पचास पैसे और पच्चीस पैसे, सिक्कों की संख्या क्या दिया है एक संबंधित, संबंधित चार दिया, और रुपया कितना आपका दिया है, क्या आपको दिया है कितना तो पच्चीस रुपये, दो सौ पच्चीस रुपये, क्या है कि नहीं, तो भी हम क्या ये संख्या दिया है आपके, क्या है संख्या दिया है आपके, संख्या दिया है तो वो भी रुपया में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, क्या रूप किस में बदलेंगे रुपया में, ये जो दिया जैसे बताया उसी तरह लगाएंगे, यक्स एक रुपया का सिक्का होता है एक होता है, एक का भाग करेंगे, ठीक है, प्लस दो यक्स के पचास पैसे के एक रुपया बनाने के लिए कितना गुणा करें दो का, दो ठो बनेगा तब ना सिक्का होगा एक रुपया होगा, और ये चार यक्स एक रुपया में पच्चीस पैसे कितना बनेगा पैसे क्या बनेगा चार, यहाँ से काट दो यहाँ से ये पड़ गया, तो यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स कितना हो गया आपका तीन यक्स, तीन यक्स बराबर दो सौ पच्चीस, यक्स बराबर दो सौ पच्चीस में किसका हम इनका भाग कर दें, ठीक है, तीन बटे चौबीस आठ तीन पचे पंद्रह, मतलब ये पचासी बार में ये आपका कड़िया मतलब यक्स बराबर पचासी, ठीक है, क्या पूछा है पचास पैसे के कितने, पचास पैसे का रेशियो क्या है आपका नहीं है ना, पचासी आ गया, यहाँ पूछा है पचास पैसे, पचास पैसे, पचास पैसे, पचास पैसे, पचास पैसे कितना है आपका पचासी, पूरा कर दो, पूरा करो सभी लोग,
छोटी, यहाँ थोड़ा सा ये गलती कट गया, थोड़ा सा ये गलती कट गया, ये यहाँ 23 हो, मतलब तो ये यक्स का वैल्यू आएगा आपका 75 बानवे, ठीक है। यहाँ पूछा है 50 पैसे, 50 पैसे का पूछा है, 50 पैसे का क्या है आपका, क्या माने हैं, दो माने हैं, दो गुड़े कर दूना आपका, ठीक 85 ये है सर, ठीक है। थोड़ा ये मिस्टेक हो गया काटने, तो हम संशोधन कर, आंसर कितना हो जाएगा आपका 185 ये आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए 14 नंबर देखो सब लोग, 118 नंबर है आपका, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तो भी आप लगाइए, ठीक है, ध्यान से लगाइए, इसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये, क्या दिया है 640 रुपये, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट है, नोटों की संख्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या क्या दिया है, समान दिया है, इसका दिया है 1 रुपये और 5 रुपये, और कह रहा है कि 10 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, समान है, समान है मतलब तो बराबर है, तो इसको हम क्या माने, यक्ष मान ले, ठीक है, ये हो गया। और कह रहा है कि कुल धनराशि क्या दिया है आपका, 640 रुपया दिया, 1 रुपया का एक नोट है, मतलब 1 रुपया है ये, ठीक है, 1 रुपया, एक एक यक्ष लिख दो, और इसका कितना हो जाएगा, जितनी संख्या गुणा करो उतना रुपया, 5 यक्ष हो गया प्लस 10 यक्ष बराबर कितना 640 हो, 10 5 15 1 16 x, 16 x किसके बराबर, 640 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो काट दो x बराबर, जो गुणा होता है वो क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है, 640 में किसका भाग करेंगे, 16, 16 चौका 64, ये 40 बार में, तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितना है, 40 है, यहाँ पूछा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, ठीक है, नोटों की संख्या पूछा है, नोटों की संख्या पूछा है, ठीक है, संख्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, मतलब कि 40 ठे ये 1 रुपये का है, 40 ठे आपका 5 रुपये का है, 40 ठे आपका 5 रुपये का है, और 10 रुपये कितना है, 40, अब को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 4 4 4, 120 नोट आपका आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 120 नोट, यही आपका आंसर, ठीक है, इनमें से मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग को कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए इसका कौन सा हो गया, 118 नंबर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये HD यादव का पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं, HD यादव के जो नया बुक का हम सॉल्यूशन करा, पास समान पास, ध्यान से पढ़ो इसको, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के, इनकी कुल संख्या 175 है, संख्या दिया है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है, ये पूछा, ठीक है, कह रहा कि 1 रुपये और 50 पैसे, ध्यान से पढ़ो समझो हमारे साथ लगाते रहिए, ठीक है, और क्या दिया है, 25 पैसे, 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या दिया है, यहाँ क्या दिया है आपका, संख्या दे दिया, सिक्कों की संख्या दे दी, संख्या कितना दिया है आपका, 175 सिक्का दिया, ठीक है, यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो, मतलब ये क्या है, मूल्य बराबर है, मतलब ये 100 रुपया है तो ये भी 100 रुपया है, ये भी 100 रुपया है,
ये मान लो, ठीक है, ये मान लो कहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या क्या है, सॉरी सिक्कों का कुल मूल्य बराबर, मूल्य इसका बराबर दिया है, तो यहाँ दिया है इस, ये रुपया दिया, ये सिक्का दिया है, तो इसको भी रुपया इस सिक्का में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक्स, एक रुपया का कितना सिक्का होता है आपका, एक सिक्का होता है, एक का गुणा कर दो, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये एक्स है, और 50 पैसे का कितना सिक्का होगा, एक रुपया में दो सिक्का होगा, तो दो का गुणा कर दो, ये सिक्का दिया तो सिक्का बनाएंगे, ठीक है, और ये कितना दिया है एक्स, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, एक रुपया कितना सिक्का होगा, चार, ठीक है, सिक्का दिया तो इसको भी सिक्का बनाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 175, तो गुणा करेंगे एक्स हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, ये प्लस 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 175, तो जोड़ो 4 2 6 1 7 1 7x बराबर कितना हो जाएगा 175, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो गुणा होता है वो भाग में चला जाता है, 175 बटा 7, 7 से काटो 7 दुना 14 और ये 5, 175 होता है, मतलब x बराबर मेरा कितना आ गया 25, ठीक है। यहाँ पूछा है कि तो थैले में सिक्कों का कुल मूल्य, ये सब रुपया पूछा है, ठीक है, रुपया में इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब आपका आंसर, यहाँ देखिए रुपया, एक रुपया में यहाँ रुपया दिया है, मतलब कि 25 पूरे एक का गुणा कर देंगे तो ये 25 रुपया हो गया आपका, ठीक है, और ये 25 रुपया, एक रुपया का 25 सिक्का है तो आपके कितना होगा 25 रुपया हो जाएगा, 25 हो गया, ये हो गया प्लस, और 25 गुणे, ठीक है, और ये 25, ये 25 से दिया तो यहाँ भी हम भाग करेंगे, यहाँ देखिए 25 50 पैसे है, 50 पैसे का सिक्का कितना दिया, 25 से दिया है, इसमें किसका भाग कर देंगे, 1/2 का गुणा कर दें हम, क्या जाएगा, और 25 पैसे का, ये 25 दिया है, 25 पैसे का है, ये छक्का डेढ़, 25 150 सही है, ठीक है, ये किसका गुणा कर देंगे आपका, वही गुणा कर देंगे आपका 1/4 का, तो हल करो सभी लोग, इसको हल करो, ये तो सही है आपका, ये 25 तो सही है आपका, यहाँ रुपया पूछा है, सॉरी ये रुपया पूछा है आपका, यहाँ रुपया पूछा है, एक्स 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 दिया है आपका, यहाँ ये कन्वर्ट नहीं करना है, तो इसमें रुपया क्या बना, सिक्का हो जाएगा आपका, यहाँ पूछा है थैले में सिक्कों का कुल मूल्य पूछा है, ये मूल्य पूछा, कुल मूल्य क्या है, इसको जोड़ देंगे ना, कुल मूल्य आपका बन जाएगा, कुल तो हो जाएगा कितना आपका, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x आ गया, एक्स के वैल्यू कितना दिया आपका 25, 3 × 25, 25 दिया 75 रुपया आपका कुल मूल्य पूछा है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर ये सही हो गया, थैले में सिक्कों का कुल मूल्य पूछा है, ठीक है, मूल्य पूछा था हमको मूल्य से, मतलब यहाँ मूल्य हम बनाए रुपया, ठीक है, एक्स 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 मतलब कुल 25 25 25 रुपया, कुल रुपया कितना हो जाएगा आपका 75 रुपया हो जाएगा, इसमें मेरा विकल्प कौन सा हो जाएगा, ये ए नंबर, ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, इसको भी हल करा दे रहे हैं, चलिए 120 नंबर पढ़ो सभी लोग, इसको ध्यान से पढ़ो, इसको लगाओ, तरह एक थैले में मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1 2 3 के अनुपात में,
प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात की, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात की। बस इसमें रुपया छूट गया है, रुपया देखते हैं कितना रुपया दिया है। एक दो तीन के अनुपात में एक प्रकार के 121 रुपये के मूल्य, ठीक है, एक एक थैले में 121 रुपये के मूल्य, तो 21 रुपया दिया है। आपका वैसे मिस प्रिंट है, ठीक है, तो सही कर लीजिए। एक थैले में कितना रुपया है आपके, 125 121 रुपये है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1, 2, 3 के अनुपात में तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा, ठीक है। चलिए उसी जैसे पिछला सवाल बताया उसी तरह हमको लगाना है, ठीक है। 1 रुपया लिखो और कितना दिया है आपका, 50 पैसे दिए और ये 25 पैसे दिए, ठीक है, ये दिया है। ये कितना क्या अनुपात दिया है, 1:2:3 दिया है, ठीक है। यहाँ ये सिक्कों की संख्या दिया है, ठीक है, और यहाँ मूल्य दिया है, मूल्य मतलब रुपया दिया है। मूल्य कितना दिया है आपका, रुपया दिया 121, ये सिक्कों की संख्या है, ये संख्या दिया, यहाँ संख्या दिया, इसको क्या रुपया बनाएंगे, ठीक है। रुपया बनाने के लिए क्या करेंगे, ये सिक्का दिया तो इसको रुपया बनाने के लिए क्या है, रुपया दिया तो इनको रुपया में कन्वर्ट करेंगे। x बटा 1 रुपया कितना सिक्का होगा, 1 है। 50 पैसे के कितना सिक्का होगा, 2 है। 25 पैसे कितना सिक्का होगा, 4 है। कितना किसके बराबर होगा, 121 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कुछ कट रहा है आपका, कट रहा है, x हो गया प्लस x हो गया, ये कितना बचा, 3x/4 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2x + 3x/ कितना हो जाएगा, 4। 4 × 8 = 11, x के बराबर 4 बराबर 121। तो सामने से हम इसको काट सकते हैं, 11 × 121 होता है, क्या क्रॉस गुणा कर देंगे कितना जाएगा आपका, x बराबर कितना 11 × 44, ये 44 होता है, ठीक है। तो यहाँ जो पूछ रहा है, अरे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा, ठीक है, सिक्कों की संख्या दिया है तो संख्या वाले में क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, गुणा कर दो सभी लोग, सभी दोस्तों लोग बुरा कर दो, तो संख्या दिया है संख्या वाले में बुरा, 1 × 44 कर दो सिक्का वाले में, और 2 × 44 बुरा कर दो, और 44 × 3 बुरा कर, क्या बुरा करेंगे, 44 आएगा, क्या बुरा करेंगे कितना, 44 × 88 आ जाएगा, और 44 × 3 = 100, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 44, 88 और 32 आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए हमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, तो हम फिर से उसको सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे क्षेत्र में भी एक क्लास चलता है, ठीक है, ये कछवा बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग इसको लगाओ, लगा कर आंसर दीजिए, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, लगा कर बताओ इसको, सर है एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दिया है, ठीक है, तो अनुपात बात है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ देखो 1 रुपया और क्या दिया है,
50 पैसे और कितना दिया है 25 पैसे, क्या है कि नहीं? आपका अनुपात दिया है, ये कितना अनुपात दिया है सिक्कों का मूल्य, मूल्य मतलब ये मूल्य दिया है ये रुपया में दिया है, कहीं क्या दिया है आपका 8, 4, 3 का अनुपात दिया, ठीक है। और यहाँ सिक्का संख्या दिया है, सिक्कों की संख्या कुल दिया है, सिक्का कितना, यहाँ सिक्का दिया है आपका, सिक्का कितना दिया है आपका, सिक्का आपका 80, ठीक है। ये मूल्य दिया है, ये सिक्का दिया है, तो इसको भी हम सिक्का में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ये 8x दिया है, मान लो ये कितना सिक्का, 1 रुपया का सिक्का होता है, 1 का 1 का गुणा करेंगे 10, 4x, ठीक है, 4x मान लो, गुणे किसका गुणा करेंगे हम, किसका गुणा, 50 पैसे का सिक्का होता है आपका, 2 सिक्का होता है तो 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, प्लस 3x, किसका गुणा करें, 25 पैसे का सिक्का होगा, 4 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8x प्लस 4 × 8x प्लस 4 × 12x कितना हो जाएगा, 280 के बराबर, सिक्का बराबर सिक्का, 12 8 20 8 28, 28x बराबर कितना हो जाएगा आपका 280, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया। तो यहाँ पूछा 50 पैसे के किस, 50 पैसे के क्या पूछा, 50 पैसे संख्या पूछा, 50 पैसे सिक्कों की संख्या, संख्या पूछा है, हम गुणा कर देंगे, संख्या कौन सा है आप, ये संख्या हो जाएगा 8 गुणे क्या हो जाएगा 80, ये आपका सिक्का कितना आंसर हो जाएगा, ये 3, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोग, कमेंट के माध्यम से, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में और अगले बगल पड़ोसों में क्या करेंगे, शेयर करें अपने दोस्तों। नमस्कार, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो चैप्टर बचा है अनुपात समानुपात का, और इसका हम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है।